जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरभ राज है और आज हम क्लास सिक्स की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी का पार्ट है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि आखिर डाइवर्सिटी होती क्या है। डाइवर्सिटी को हम हिंदी में विविधता कहते हैं, और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे आखिर डाइवर्सिटी होती क्या है, डाइवर्सिटी के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों कुछ बातें कहना चाहता हूँ। दोस्तों बच्चे एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं? जी बस किताब खोली, चैप्टर फिनिश किया, क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, और जी उसके बाद बल्ले बल्ले की चैप्टर फिनिश। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी ऐसी नहीं पढ़ी जाती। कोई बच्चा सिक्स में हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसे एनसीईआरटी को बस फिनिश करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि सिक्स का बच्चा सोचे कि यार ये चैप्टर फिनिश करना है, कल टेस्ट है, एग्ज़ाम है, टीचर सुनेगी, होमवर्क है। नहीं, समझिए उस चैप्टर को, अच्छे से टर्म समझिए। एंड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का अगर स्टूडेंट है तो एनसीईआरटी को इस तरीके से ना देखे कि यार ये छोटे बच्चे की किताब है, फटाफट से पढ़ लो, कोटा ख़त्म हो जाएगा। एक जो कहावत है कि छठी से बारहवीं तक की किताब पढ़नी जरूरी है ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, वो बात सही हो जाएगी। नहीं 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 ऐसे नहीं होता। सिक्स की एनसीईआरटी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चों को सिर्फ सिक्स क्लास के बच्चे जैसे नहीं समझना है। उसमें कई ऐसे टर्म्स हैं जिनके बहुत बड़े मतलब हो सकते हैं। एनसीईआरटी को हमें इसलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं ना जो समझ में नहीं आते हैं, जिनका बहुत डीप मीनिंग होता है। हमें रीडिंग बिटवीन द लाइन सीखनी पड़ेगी, लाइनों के बीचों का मतलब अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम एनसीईआरटी को सही से पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर इसको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। फिर तो ये होगी कि हम कहानी पढ़ रहे हैं जी, पढ़ते चले गए, कुछ टाइम बाद पता चला बच्चों को नींद आने लगी कि यार क्या पढ़ रहे हैं, बोरिंग सब्जेक्ट। नहीं, एनसीईआरटी आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगी अगर आप इसको दिल से पढ़ेंगे और दिमाग में अपने फिट करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर मतलब कोई भी एनसीईआरटी को अगर ढंग से पढ़ लिया, उसकी रीडिंग बिटवीन द लाइंस, लाइनों के बीचों का मतलब, आखिर कौन सी लाइन में क्या मतलब छुपा है, कौन से शब्द में क्या मतलब छुपा है, एंड कौन सा चैप्टर हमसे एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, अगर वो समझ लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बार बार चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़िएगा, बहुत लोगों को आप वो चैप्टर बता सकते हैं मुँह ज़ुबानी कि इस चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में हमने ऐसे पढ़ा। पर बच्चे क्या करते हैं कि चैप्टर फिनिश करने की फिराक में ही रहते हैं वो, कि बस चैप्टर फिनिश कर लिया। नहीं, अगर आप लोगों की अपना बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये पतली सी किताब बहुत कुछ दे जाती है हमें। तो पढ़िए इसे, इसके टर्म्स को समझिए, अच्छे से समझिए, ताकि आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में और आपको एग्जामिनेशन में हेल्प होगी। और अगर कोई टर्म समझ में ना आए तो या तो उसे गूगल कीजिए, नहीं तो मैं एनसीईआरटी की सीरीज लाई पढ़ा ही रहा हूँ तो मैं उस टर्म को कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से समझा सकूँ। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर मौज कीजिए। पर ऐसा नहीं कि आज पढ़ा, परसों सोच रहे हैं कि अरे यार क्या पढ़ा था यार उस चैप्टर में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ा सुबह तक गायब। कुछ बच्चे तो ऐसे देखे हैं मैंने कि दो दिन बाद उनसे पूछो कि भाई कौन सा चैप्टर पढ़ा था तूने, चैप्टर ही भूल गया। गजब है यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा मत कीजिए। और कोई भी किताब इतने अच्छे से पढ़िए कि आपको बुक लिखने वाले से भी ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आए। सो ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आई होप आप समझे होंगे, चैप्टर पढ़िएगा अच्छे से। डाइवर्सिटी, आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक। दीज कैन बी अलोंग द डायमेंशंस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एज, पॉलिटिकल बिलीफ्स एक्सेट्रा। डाइवर्सिटी का
आप बेस्ट बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आप अपने आसपास पड़ोसियों में, अगर आप स्कूल जाते हैं तो अपने क्लास में आप देख सकते हैं कि हर कोई आपसे अलग है, कोई दूसरे रिलीजन का है, कोई दूसरे कास्ट का है, कोई आपसे अलग दिखता है, मतलब हर बंदा, हर बच्चा, हर इंसान अलग है, उसका काम आपसे अलग हो सकता है, उसका धर्म आपसे अलग हो सकता है, उसकी जाति आपसे अलग हो सकती है, डाइवर्सिटी भाषा लिंग और कई प्रकार से हो सकते हैं। डाइवर्सिटी को हम पॉजिटिव वे में लेंगे, प्लीज डोंट टेक डाइवर्सिटी एज ए नेगेटिव वे, लोगों का सम्मान कीजिए, ये नहीं कि अरे ये काला है हट यहाँ से, कौन है ये, ऐसे नहीं, लोगों का सम्मान कीजिए, हर धर्म का सम्मान कीजिए, हर रिलीजन, हर जाति का सम्मान कीजिए। डाइवर्सिटी मीन्स टू एक्सप्लोर द डिफरेंसेस इन अ सेफ एंड पॉजिटिव वे, इट इज दी एक्स वी हैव टू टेक डाइवर्सिटी एज अ पॉजिटिव वे एंड सेलिब्रेट द रिच डायमेंशन ऑफ इट। हमें डाइवर्सिटी को एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और जो डाइवर्सिटी जो इतनी हमारी देश में इतनी जो वास्ट डाइवर्सिटी फैली हुई है उसको इंजॉय कीजिए, इंजॉय कीजिए, जस्ट इंजॉय। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट वेन पीपल अडेप्ट देयर लाइफ टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनियस एरिया। माउंटेनियस एरिया हिस्ट्री में, मतलब हम इसमें देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड इन शेप ऑफ लाइफ एंड कल्चर देयर। डाइवर्सिटी इज अ सेट ऑफ कॉन्शियस प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड कल्चर। कल्चर अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी इंक्लूड नॉट ओनली वेज ऑफ बींग बट ऑल्सो वेज ऑफ नोइंग। सिर्फ जानना कि हम सब अलग हैं वो डाइवर्सिटी नहीं कहलाती, सिर्फ जानना यही काफी नहीं होता कि हम उससे अलग हैं तो डाइवर्सिटी कहलाती है। डाइवर्सिटी को ना मतलब एक्सपीरियंस किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, ह्यूमैनिटी किसी की हर किसी का सम्मान किया जाता है, कल्चर का उनका सम्मान किया जाता है, उनके कल्चर को एंजॉय किया जाता है, साथ में एंजॉय किया जाता है। डाइवर्सिटी का ट्रू मीनिंग यही है, रिस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, रिस्पेक्ट एवरी कास्ट, रिस्पेक्ट एवरी पर्सन। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इन इंडिया डाइवर्सिटी कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। भारत में डाइवर्सिटी बहुत तरीके की हो सकती है, जिसमें से सबसे पहली है रेशियल डाइवर्सिटी। रेशियल मीन्स नस्ल के भाव, नस्ल के आधार पे डाइवर्स। इन इंडिया मेनली टू टाइप्स ऑफ रेशियल ग्रुप्स आर फाउंड, इंडो आर्यन एंड द्रविड़ियन। भारत में लगभग में मोस्टली दो टाइप के रेशियल ग्रुप्स फाउंड किए जाते हैं, इंडो आर्यन एंड द्रविड़ियन। द्रविड़ियन साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, इंडो आर्यन नॉर्थ इंडियंस होते हैं जनरली। रेशियल डाइवर्सिटी इज बेस्ड ऑन प्लेंटी ऑफ फीचर्स सच एज स्किन कलर, हेयर टाइप्स ऑफ आईज एक्सेट्रा। इस डायग्राम्स में आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि रेशियल डाइवर्सिटी कई तरीके की हो सकती है, उनके स्किन के कलर्स में, हेयर स्टाइल्स, हेयर टाइप्स ऑफ आईज, कलर आईज के बीच में भी हो सकती है। उसके बाद आगे आती है रिलीजियस डाइवर्सिटी। देयर आर मल्टीपल रिलीजन्स इन इंडिया लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म एक्स्ट्रा। भारत में कई प्रकार के रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, लगभग भारत में 8 प्रकार के रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, जो वर्ल्ड के टॉप 8 रिलीजन्स इंडिया में ही फॉलो किए, इंडियन में फॉलो किए जाते हैं, जिसमें से मोस्टली पार्ट हिंदुइज्म का है, फिर इस्लाम, फिर क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अदर। थर्ड पे आती है कास्ट डाइवर्सिटी। अमंग द हिंदू पॉपुलेशन द कास्ट सिस्टम प्रिवेल्स मोस्ट डोमिनेंटली। द प्रैक्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज बीन प्रिवेलेंट सिंस वैदिक पीरियड।
हमारे हिंदू पॉपुलेशन में देखिए कि जब ज़्यादातर अगर हम देखा जाए तो हमारे जैसे आपको पता है कि हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, लगभग ऑलमोस्ट 80% के आसपास है, 75 to 80%। तो उसमें हम ये देख सकते हैं काफ़ी सारे कास्ट सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करते हैं, आज भी क्या एग्जिस्ट करते हैं, और ये आज से नहीं वैदिक काल से एग्जिस्ट कर रहे हैं कास्ट सिस्टम। अमंग द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देर आर 22 रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस। मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर कन्फाइंड टू पर्टिकुलर प्लेस और स्टेट। भाषा के आधार पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 में 22 तरह की लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड मोस्ट ऑफ ये जो लैंग्वेजेस हैं, वैसे तो कई और लैंग्वेजेस हैं, मेरे ख्याल से दो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मेरे को याद नहीं, मेरे ख्याल से हज़ारों, पर जो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन हमारे रिकॉग्नाइज करते हैं 22 रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर प्लेस के आधार पे दी गई हैं। लास्ट आती है सिर्फ डाइवर्सिटी, किसी के कलर, किसी के रंग, किसी के धर्म, किसी की कास्ट पे नहीं होती। जैसे डाइवर्सिटी फिजिकल आधार पे भी होती है, कंट्री के फिजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया इज डाइवर्स नॉट ओनली इन टाइप्स ऑफ पीपल बट ऑल्सो जियोग्राफिकली। आप मैप में देख सकते हैं कि जो ऊपर का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये हिल माउंटेनियस एरिया है, फिर नीचे का बीच का एरिया आप देखिएगा थोड़ा प्लेन है, फिर हम जैसे जैसे साउथ में जाते जाते हैं प्लेट्यूज, डेक्कन प्लेट्यू होगी, कोस्टल एरियाज हो गए, मतलब आप देख सकते हैं फिजिकल डाइवर्सिटी भी कितनी है, फिजिकल डाइवर्स भी कितना है हमारा देश। इंडिया इज नॉट डाइवर्स, इंडिया इज डाइवर्स नॉट ओनली इन टाइप्स ऑफ पीपल बट ऑल्सो जियोग्राफिकली, हमारा देश भी डाइवर्स है। एक और चीज़ अभी हम देखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी रेफर्स टू कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन, सॉरी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रेफर्स टू कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब हमारा देश समान नहीं है, हर कोई यहाँ पे सेम नहीं है, अलग अलग तरह की भाषाएं धर्म किए जाते हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, फिर भी हमारे हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं, यूनिफॉर्म विदाउट यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं है, हर कोई के अलग धर्म, हर किसी की अलग कास्ट जाति है, फिर भी हमारा देश यूनाइट है, यूनिटी हमारे देश में है। हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं है फिर भी यहाँ यूनिटी है, दैट्स वाई वी कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने सारे लोग आपस में शांतिपूर्ण रह रहे हैं बिकॉज ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पीपल डिस्पाइट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हमें आज भी इस समय भी यूनाइट होना ही पड़ेगा एक साथ, इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। मास्क पहनिए, सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, हैंड वॉश लगातार करते रहिए। देश को आपकी छोटी सी मदद चाहिए कि आप बस अपने आप को सुरक्षित रखें, जो प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ने लागू किए हैं उनका पालन करते रहें, प्रिकॉशंस रखें, हाथ लगातार धोते रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, मास्क पहनें। उसके बाद आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं, पीपल डिस्पाइट बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट बैकग्राउंड्स दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन लैंग्वेज एंड लिव विद द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। इंडिया इज डाइवर्स, इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। पीपल यहाँ मतलब लोग यहाँ पे भले ही किसी भी बैकग्राउंड, रिलीजन, जाति से हो, लैंग्वेज उनकी अलग हो, फिर भी हमारे देश में एक भाव है भाईचारे का, ब्रदरहुड का। कोई भी हम देखते, जैसे हम क्लास में भी अपने अगर एक स्कूल का एग्जांपल लूँ, वो मेरा भाई है, जनरली बच्चे कह देते हैं भाई कैसा है, मतलब एक भाईचारा है, कोई मैटर नहीं पड़ता कि कौन सा रिलीजन का है, कौन से धर्म का है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित नेहरू जी ने भी कहा था अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड बाय रैदर इट इज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फॉल्स। भारत की यूनिटी सिर्फ बाहर से नहीं है इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड बाय रैदर इट इज समथिंग डीपर, ये बहुत डीप चीज है, एंड इसे सिर्फ डीप जाके ही हम इसे फील कर सकते हैं। सो छोटा सा लेसन था, छोटा सा चैप्टर था, आने वाले चैप्टर में फिर से हम बात करेंगे,
नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब नॉलेज कैसल। सब्सक्राइब कीजिए, आपकी हेल्प चाहिए। चैनल को सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ रहिए। बाय बाय, गुड बाय।